हेलो एवरीवन हम लोग नोटेशंस uh, के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे तो जहां पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे तो टू पावर वन और टू न, बताना है भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो देखो भाई बहुत आसान है टू पावर एन प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं ओके टू पावर एन प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाई टू और ये क्या हो गया, गया जी टू पावर एन तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है भाई इक्वल इक्वली आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराने से हमारे कोई फर्क पड़ता नहीं आपको पता होगा तो डायरेक्टली देख करके आप बता दोगे कि ये तो भाई एजिमटॉटिकली इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू ऑफ जी एन या बोल सकते थे जी एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन बात बराबर है और थीटा है तो बिग ओ स्मोलो दोनों आ जाएंगे सो so, हम क्या कह पाएंगे भाई एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन जी एन इज इक्वल और साथ साथ हम क्या कह पाएंगे एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ जी एन ओके एंड सिमिलरली जी एन इज इक्वल टू बिग ओ एफ एन एंड एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा जी एन एंड जी एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एफ एन अब जरा सा भी कुछ डाउट है प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे मैं यहाँ पे बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन करके वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा ये सब आपको पता है भाई बराबर आ चुका तो बिग ओ और बिगो और बिग उमेगा तो आएगा बट बट स्मालो और स्मॉल मेगा नहीं आने वाला क्योंकि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर स्ट्रिक्टली लेस वाली बात करते थे स्मॉलो वाली बात क्या होती थी ये और स्मॉल ओमेगा की बात क्या होती थी ये ठीक है तो ये तो आप बराबर निकाल करके बैठे हैं ना तो फिर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर स्ट्रिक्टली लेस वाली बात नहीं आएगी आई होप आप समझदारो मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए एकदम आसान क्वेश्चन था आपके दिमाग में घुस गया होगा द ओनली थिंग इज एक की स्टेप था यहाँ पे की स्टेप क्या था भाई ये टू पावर एन प्लस वन को आपको खोलना आना चाहिए था तो, तो एक झटके में बोलोगे टू पावर इन टू टू और वैसे देखते हैं हमारे को सब समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी तो so, वही बात है मैं बार बार समझाता हूँ आपको गेट इज जस्ट लाइक अंधेरे कमरे में बंद हो टैप करते जा रहे हो इधर उधर दर से दरवाजा खुलने नहीं वाला जब आप हैंडल घुमाओगे तो दरवाजा खुलेगा तो वही हैंडल घुमाने वाली बात थी यहाँ पे हैंडल घुमाने वाली बात क्या थी बस इन टू कर लो बस एक बार ये स्टेप समझ में आ गया तो काम खत्म था हमारा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी अगले क्वेश्चन पे आते हैं लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड नोट डाउन कर लेना भाई टू पावर टू एन और टू पावर एन ये अच्छा सवाल है कैसे लिखोगे भाई वही बात है इसको इसको मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो पता लगेगा टू पावर टू टू एन को कैसे एक्सपेंड करते हो भाई टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाय टू पावर एन करते हो कि नहीं आराम से बोलो टू पा एन टू पार आन आन टू पर एन क्या होगा एन प्लस एन टू एन ये वही होगा आई होप अभी समझते में पावर ऐड हो जाती है ये तो बहुत बेसिक सी बात है और यहाँ पे क्या बैठे टू एन भाई क्लियरली आपको नजर आया तो बहुत बड़ा है इससे टू एन टून से कैंसिल भी कर लो तो यहाँ टू एन बच रहा है यहाँ पे, पे वन बच रहा है यहाँ पे वन बच रहा है और यहाँ पे टू एन बच रहा है तो बहुत ज्यादा बड़ा है टू एन कू पावर एन टू पावर एन बच रहा है तो बहुत ज्यादा बड़ा है तो प्लीज ध्यान रखना भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा इससे तो इसका मतलब क्या होगा भाई एफ एन विल बी इक्वल टू स्मॉल ओमेगा GN. बोलो से पकड़ आ रहा है क्योंकि ऐसा जी तो आप उल्टा ही बोल सकते थे GN Fn. और यहीं से ही हम क्योंकि स्मॉल ओमेगा आ रहा है तो बिग ओमेगा भी आएगा आएगा तो आप ये भी भाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो हाई है तो बिगो मेंगा जीएन जरा सा भी डाउट आता है प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो मैं ये सब क्यों लिखता जा रहा हूं बार बार पता है ताकि क्योंकि ताकि आपके माइंड में एकदम फ्लुएंसी आ जाए यही सब क्वेश्चंस बहुत आएंगे पेपर में घुमाएंगे आपको एक एक ऑप्शन आपको अगर मैं सिर्फ ये बोल के भाग जाता पेपर में ये नजर आता तो और आ तो फिर और फंस जाओगे तो बेटर है एकदम फ्लुएंट हो जाओ एकदम फ्लुएंट सब लिखना में आपको माइंड पे बिल्कुल प्रेशर आई ना मैं इस तरीके से जाता हूँ काम ठीक है जी तो जीएनजो जी एफ एन पता ये स्मॉल होगा तो बिगो अपने आप से होगा ठीक है जी ये चार कंडीशन आ रही है थीटा वीटा का कोई टेंशन नहीं है हमारे को आना नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा आ रहा है इससे आई होप आ रहा होगा ठीक है जी अब अगर ये कर पा रहे हो तो मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं अच्छा मैंने नहीं लिखा है वो कोई बात नहीं मैं एक स्लाइड पे दिखा देता लेट अस सपोज मेरे पास है टू पावर एन। है पावर ठीक जी एक फंक्शन है जी टू पावर एन और एक फंक्शन है जी थ्री पावर एन अब बोलो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो आपको लगेगा ये तो दोनों बराबर ही क्या ये टू आइए थ्री है क्या फर्क पड़ रहा है पावर एन भी तो बैठी है वो टेंशन पैदा करेगी तो मैं इसको थ्री पावर एन को थोड़ा सा खोलूंगा ना तो तुम्हारे को समझ में आएगा अच्छा इससे पहले मैं आपको ये भी समझाता देखो भाई टू पावर एन और फोर पावर एन इसको दो मिनट इसको छोड़ो ताकि मैं देखो मैं एकदम बोलूंगा तो आपको दिक्कत आ सकती है मैं विजुअलाइज कराना चाहता हूं टू पावर एन और फोर पावर एन बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये आपका दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए था अभी कराए जस्ट अभी यही तो मजा है ना मैथमेटिक्स में यही मजा है हल्का सा ट्विस्ट करके दे देंगे और आप फंस जाते हो तो देखो भाई टू पावर एन और फोर पावर एन था तो अभी मैंने समझाया था आपको टू पावर एन फोर पावर को क्या लिख सकते हो टू पावर टू पावर एन तो ये क्या हो गया जी टू पावर टू एन ये तो पीछे कराया है क्या टेंशन है थी तुम्हारी टू, टू बड़ा नहीं आया टू पार से तो यहाँ पे क्या टेंशन है भाई पावर बड़ा निकलेगा टू पावर एन से तो आप समझ में आ रहा होगा पे कांस्टेंट की बात करनी होती है जब पावर एन चढ़ रहा होता है ना तो फिर कांस्टेंट वाली बात को आप ऐसे इग्नोर करके नहीं भाग सकते कि तो कांस्टेंट है हमारे बोली बराबर आ जाएंगे ऐसे नहीं करना होता भाई क्योंकि मैंने अभी आपको प्रूव किया है कि ये ये कांस्टेंट देखो बराबर था बात है जब ये वाला फंक्शन कॉन्स्टेंट टाइम बिगर होता है इससे कॉन्स्टेंट टाइम नहीं है ना भाई टू पावर एंड टाइम बिगर है ये बात समझ रहे हो तो ये क्या चक्कर हो रहा है भाई ये जो आ रहा है फोर पावर एन को मैं ऐसे खोल सकता हूं भाई ये ऐसे बनेगा टू पावर एन और टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाई टू पावर एन तो ये कॉन्सेंट टाइम बिगर नहीं है टू पावर एन टाइम्स बिगर है और टू पावर एन टाइम्स बिगर होने का मतलब समझ पा रहे आई थिंक टाइम मतलब वो टाइम से कंफ्यूज हो जाए टाइम मतलब, मतलब वही बात है कितना टाइम बिगर है वो आप आई थिंक समझ पा रहे हो गए ठीक <laughs> है जी क्लियर हो है? तो अब यहाँ पे भी वही टेंशन पैदा होगी तो अगर थ्री पावर एन कॉन्टेंट टाइम बिगर निकला टू पावर एन से तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा बट ये है ही नहीं ना ऐसा है क्या थ्री पावर एन को थोड़ा सा खोलो तो समझ में आएगा टू पावर एन थ्री पावर एन को क्या कह सकते हो पावर एन बोलो इसमें कोई दिक्कत है? Into 2 क्या होता तो वन पॉइंट फाइव पावर अब एनटे जो ये तो बहुत बड़ा नंबर है एन टेन तो तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा तो कांस्टेंट टाइम बिगड़ नहीं आ रहा बात ये देखो कांस्टेंट टाइम बिग नहीं आ रहा फंक्शन ऑफ एन टाइम्स बिगर आ रहा है और फंक्शन ऑफ एन टाइम्स बिगर आने का मतलब नहीं आने वाले तो ये बहुत बड़ा होगा थ्री मच बिगर नहीं तो आप विजुलाइज भी कर सकते हैं टू पर एन टू टू इंट इंटू टू क्या चल रहा है एक एक बड़ा है मजाक थोड़ी हर बार बड़ा होना एंड टाइम्स चल रहा है देखो भाई टू पारन कैसे खोलोगे टू इंट टू इंटू टू इंटू टू डॉ डॉ डॉट और खोलोगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री डॉट डॉट तो ये हर बार एक 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 बड़ा है, हर बार करो। एक, दो बार करो, दो तो चलो मैं इग्नोर मार देता, एक करोड़ बार भी होता ना तो भी मैं इग्नोर मार देता लाख करोड़ कोई मायने नहीं रखता लेकिन ये फिर वही बात है एन टाइम टू इन्फिनिटी होगा तो बहुत तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये फिर एक एक हर जगह बड़ा आ रहा है आई होप आ रहा होगा सबको समझ में विजुलाइज भी आपको करवा कर रहा हूँ मैं हर चीज आपकी आंखों के आगे रखना चाहता हूँ मैं बार बार समझाता हूँ जो कंसेप्ट जितना अगली है मैं उसको उतना अगली दिखाऊंगा भाई तुम्हारे से कुछ छुपाऊंगा नहीं क्योंकि छुपाऊंगा तो फिर कल को तुम खुद ही फंस जाओगे मैं इस तरह का टीचर नहीं हूँ कि इजी है इजी है बहुत आसान है बहुत आसान है और जो मेन क्रक्स है जो जड़ है वही खा गए तो उसकी फायदा थोड़ी होगा फिर वो पढ़ा ना पढ़ा बराबर है लग तो जाएगा तुम्हारे को इजी या ईजी है तुम सब कुछ कर भी लोगे लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट आया तो तुम बहुत खुद फंसोगे तो बेटर है कि मैं पूरा डीप में जाकर के अच्छे से एक एक बात आपको समझाऊं आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को तो बस ठीक है जी तो थ्री पॉइंट बड़ा आ चुका है तो बस इसको मान लो तुम एफ एन इसको मान लो जी एन ये हो गया जी एफ एन ये हो गया जी जी एन पीछे से कॉपी करके अपर ये ब्लैक है भाई ये दिक्कत करेगा चलो कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ एक मिनट लगेगा तो जी एन बढ़ाया एफ एन से तो हम फाइनली क्या लिखेंगे भाई एफ एन विल बीवल टू स्मॉल ओ जी एन क्योंकि पक्का पूरा बड़ा आया है तो अब स्मोलो आया तो फिर बिगो भी आएगा ही आएगा बिगो जीएन कोई टेंशन नहीं अच्छा जी और जीएन विल बी इक्वल टू व स्मॉल ओमेगा एफ तो एन क्योंकि तो जीएन विल भी स्माल एफ एन अच्छा स्मॉल ओमेगा आएगा तो बिगो मेगा भी आएगा आएगा टेंशन नहीं आ चाहिए दिमाग में बिल्कुल भी ये सब जो मैं कर रहा हूँ करते टाइम तुम्हारे तो दिमाग में टेंशन ही आना चाहिए यू शुड बी कम्प्लीटली फ्लुएंट ऑन इट बस कम्पलीटली फ्लुएंसी ले आओ तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी ये सब सब नोट डाउन कर लेना ये जो छोटा सा मैंने ये सब लिखा तभी नोट डाउन कर लेना चलो भाई आई होप कर लिया होगा आ रहे हैं ये बड़ा अच्छा नहीं है, ये है K और एम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो डायरेक्टली मैं पता है क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे जैसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा जैसे मैं बोल दू एन प्लस थ्री पावर टेन और यहाँ लिख दू एन पावर टेन तो कौन सा बड़ा क्वेश्चन या फिर से एन प्लस पंद्रह हजार कर लो कुछ मर्जी भर लो पावर एक लाख कर लो दस हजार चलो ठीक है और यहाँ पे एन पावर दस हजार कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा ये मेरे को बताना है अब तो कॉमन सेंस से आप सोचोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट की कोई औकात नहीं इसको उठाकर भाग जाओ आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे भाग जाए तो भाई देखो यहाँ पे अगर आपको फिर और डिटेल चाहिए तो फिर वो बात है मैं मैं इतना सबको के भाग सकता हूँ लेकिन फिर वही बात है जो ऊपर पर से पढ़ रहा होगा बोलेगा ठीक है सर ने बोले तो हो गया काम खत्म लेकिन जो डीप एनालिसिस कर रहा होगा वो बोलेगा कि सर अभी ये क्या बात करो अभी तो यहाँ पे तो आपने कॉन्स्टेंट उड़ाए नहीं लेकिन यहाँ पे आप कॉन्टेंट कैसे उड़ा के भाग रहे हो इसकी अगर प्रॉपर डिटेल चाहिए तो मैं प्रॉपर डिटेल देता हूँ थोरम पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो आपको मेरे कम्युनेट और इसके लेक्चर देखने पड़ेंगे तो इसको बाइनोमिल थोरम से एक्सपेंड करो एन प्लस के पावर एम को कैसे एक्सपेंड करते थे भाई है ना तो एन प्लस के पावर एम है तो आप क्या कहोगे जी एम सी जीरो एन पावर एम और के पावर जीरो ये याद आ रहा है अगर आपको चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे ही देता हूँ यार एक मिनट लगेगा है ना लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ छूट जाए देखो भाई एक्स प्लस वाई पावर एन इसकी एक्सपेंशन होती है थ्योरम से, एन इज इक्वल टू चलो आर आर लिखते हैं ठीक है आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स पावर आर वाई पावर एन माइनस आर अब इसका अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो आप मेरे कंप्यूटर इसके लेक्चर्स देख करके कर सकते हो वही बात है कोई कोई स्टूडेंट्स नहीं देख करके आए हो अगर आपको लग रहा हो कि कोई होते हैं स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली एलगोर्दम पे शिफ्ट कर जाते हैं और सीधा कोशिश करते हैं देखने की है। फिर ये आपको लगेगा कि तो सर आप बहुत मैथमेटिक्स में जा रहे हो हमारे को समझ नहीं आ रहा है एंड सॉम so, हल्का सा साइंस दे देते तो हल्का सा एक्स प्लस वाई पर इनकी एक्सपेंशन कर देना आपको तो आप लिख लो एक सेकेंड लगेगा बस एक मिनट बस मैं आप लोगों का लूंगा लेकिन बिना प्रूफ के अगर मैं आगे भाग गया तो आपके दिमाग में शायद कुछ गलत इमेज ही ना आ जाए कि सब्जेक्ट मुश्किल ऐसा नहीं है अभी एंड टाइम्स मैंने ये एक्सपैंड करके लिख लिया

और y की पावर जीरो आएगा क्योंकि आपने एक भी टर्म नहीं ली जिसमें से y पकड़ा था अच्छा जी या फिर या फिर आप क्या कहोगे n में से या चलो थोड़ा और आसान करूं आ, पहले जीरो टर्म पकड़ता ठीक है एनसी एन सी तो जीरो मतलब जीरो टर्म पकड़ी जिसमें से आपने एक्स पकड़ा था तो एनसी एक जीरो एक्स पावर जीरो वाई पावर एन हो जाएगा प्लस में एक टर्म पकड़ ली जिसमें से आपने एक्स पकड़ा तो एन टर्म्स थी एन में से कोई एक पकड़ लेना एनसी वन इंटू एक्स पावर वन और फिर बाकी बची हुई में से वाई पावर एन माइनस वन फिर दो टर्म्स पकड़ लेना जिसमें से एक्स पकड़ा था तो दो तो टर्म एनसी टू इंटू एक्स पावर टू इंटू वाई पावर एन माइनस टू फिर तीन टर्म पकड़ लेना जिसमें एक्स पकड़ा था तो एनसी थ्री एक्स पावर थ्री वाई तो पावर एन माइनस थ्री एंड सोन तो वही है भैया देख लो भैया से आर के जीरो भरे तो एनसी जीरो एक्स पावर जीरो वाई पावर एन एनसी वन एक्स पा आर की बढ़ेगा तो एनसी वन एक्स पार वन वाई पार एन एन एनसोन तो ये वही एक्सपेंशन है और कुछ नहीं थोड़ा सा पेशेंस से अगर आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा अगर अभी भी दिक्कत है तो प्लीज कंप्यूटर के लेक्चर देखो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा समेशन देखना समेशन मैंने प्रॉपर समझा रखा है उसमें सारा क्लियर किया होगा थ्योरम क्या होती है एंडसोन इलेवंथ में भी आपने पढ़ी होगी थोड़ा थोड़ा अंदाजा देखो अगर आपको ये लगता है कि बिना मैथमेटिक्स के हम एल्गोरिथम्स कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो है ना और जहाँ से भी आपने पढ़ा है या जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो और अगर वो भी आपको इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत बात है। और मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके चीजों को मैं भी बता के भाग सकता हूँ बट एट दी एंड ऑफ हो जाए आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो फिर वही कहानी घूम फिर के वही पीछे सर्कल में आप फंस जाओगे सब्जेक्ट पढ़ लिया इतनी मेहनत कर लिया उसके बाद भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो क्यों नहीं सोल्व क्यों नहीं सोल्व हो रहे कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाई कंसेप्ट में दिक्कत है मैथमेटिक्स ही नहीं आती तो आप करोगे कैसे तो ये बेसिक बेसिक मैथमेटिकल चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए मतलब टूल्स है ना ये टूल्स हैं आपके बैग में मैं टूल डाल रहा हूँ पता नहीं कौन सा टूल कब लग जाए तो बस इतना समझ आ रहा है ना अब आ जाओ इधर अब अब देखो भाई अब एन से जीरो तो हम बोल सकते थे एन पावर जीरो है ना ये इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो देखो चलो मैं देखो मैं एक्चुअली बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को बहुत ज्यादा है ना तो मैं ज्यादा इतना घुस नहीं चाह रहा हूँ पर ठीक है चलो तो आप ऐसे इमेजिन कर लो एन प्लस के एन प्लस के सारी लाइन लगी पड़ी है एन प्लस के की तो किसी में से एन किसी में से के किसी में से सेन किसी में से कैसे पकड़ोगे तो अब आप क्या करते हो सपोज कर लो सब में से एन पकड़ दिए सब में से तो यह चलो पहले जीरो में से है ना एम टर्म्स थी ऐसे एन प्लस के एन प्लस के एन प्लस के एन प्लस के ऐसी एम टर्म्स है तुम्हारे पास जिसमें से जो मन करे वो पकड़ लेना तो सपोज कर लो मैंने किसी भी में से एन नहीं पकड़ा हर में से मैंने के के पकड़ लिया तो सी जीरो एन पावर जीरो के पावर एम आएगा समझ रहे हो अच्छा जी प्लस में एम सी वन इंटू एन पावर वन के पावर एम माइनस वन आएगा चलते चलते आप एम सी एन एन पावर एन है ना और फिर के पावर जीरो

तो एन पावर एम के हिसाब से मैं चलूंगा तो ये क्या है? सबसे बड़ी टर्म क्या है जी एन पावर एम बाकी सब छोटी उनको मारो गोली और यहाँ पे आपने लिखा ही क्या हुआ था? पावर एम तो ठीक है दोनों, दोनों एजिमटोटिकली बराबर है। नहीं है भाई मैथमेटिकली बहुत बड़ा होगा इससे है ना? लेकिन एजिमिकली दोनों बराबर है एंट एंट तो हम तो इनकी कोई औकात नहीं है ना भाई एन पावर एम बहुत बड़ा है तो एन पावर एम माइनस हटा दो इनका कोई मतलब ही नहीं है आपको पता ही डोमिनेटर हम लेकर आते थे तो ठीक है पकड़ में हमने क्या अगर जरा भी दिक्कत है प्लीज वीडियो को ड्राइन करके देखो मैं बार, -बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैंने आपको बस इस इस लेक्चर में हल्का सा ट्विस्ट दिया है थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फ्लेवर दिखाया मैंने आपको थ्योरम से तो अगर आप पकड़ गए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो भाई कमेंट और से देखना पड़ेगा मैं बार बार समझाता समझा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बिना अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो वो मेरे हिसाब से तो भाई गुना है आपके लिए मत पढ़ो फालतू का टाइम पास कर रहे हो लग रहा होगा चीजें समझ में आ रही है बहुत अच्छा लग रहा है एंड सॉन लेकिन बिना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की चीजें पढ़ना मजा वाली बात नहीं है डीप में आप घुस नहीं पाओगे मैं बार बार समझाता रहता हूँ आप लोगों को देखो भाई ये ऐसे होता है कंसेप्ट जो भी आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो ना तो इट इज जस्ट लाइक दिस एक टनल की तरह कोई स्टूडेंट होगा जो यहाँ तक जाएगा कोई होगा जो यहाँ तक चला जाएगा और जो ढंग से डिस्क्रिक्ट पढ़ के आएगा वो पूरा एंड तक जाकर के इसको क्रैक कर जाएगा कंसेप्ट को तो आप यहीं तक जाओगे आपको लगेगा कि मेरे को कन्सेप्ट आ गया लेकिन वो आया नहीं होगा क्वेश्चन थोड़ा सा डीप आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे जो यहाँ वाला होगा वो भी नहीं कर पाएगा लेकिन जो यहाँ पूरा एंड तक पहुंच गया होगा वो कॉन्सेप्ट को वो कंसेप्ट पूरा पकड़ गया और वो क्वेश्चन जरा सा भी ट्विस्ट करके आएगा वो भी सॉल्व कर जाएगा तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी लॉजिक और कमेंटर दो चीजें तो कन्फर्म है करो ही करो क्योंकि मैं घुस रहा हूँ ना देखो अगर आपको थ्योरम आती थी ये चीजें आती थी तो आप खुद से ही इस क्वेश्चन का आंसर कर जाते मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन अगर नहीं आती थी तो फिर वही बात है फंस रहे हो मैं बस एक हिंट देता की थ्योरम लगेगी वहीं से आपका सवाल बन जाना चाहिए था आई होप क्लैरिटी आ रही होगी काम में ठीक है जी तो एन प्लस के पावर एम और एन पावर एम में दोनों के दोनों के आ रहे हैं एसिम्प्टोटिकली बराबर आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं एन प्लस के पावर एम का मैंने थ्योरम से एक्सपेंशन करके दिखा दी तो एमसी जीरो एन पावर जीरो के पावर एम एमसी वन मतलब एम टर्म्स सी टोटल एम में से एक भी टर्म नहीं पकड़ी जहां से पक, मैंने लिया था तो हर टर्म ए से पकड़ा था तो इन टू के, 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 के पावर एम बन गया तो एमसी जीरो प्लस में अब एम में से कोई एक टर्म पकड़ लिया जहां से एन पकड़ा था तो बाकी टर्म्स में से क्या पकड़ा होगा भाई के पकड़ा होगा तो के पावर एन माइनस वन हो जाए माइनस वन हो जाएगा के पावर एम माइनस वन और एन पावर वन हो जाएगा एमसी वन हो गया है ना एम में से कोई एक टर्म पकड़े थे ऐसे ही चलते चलते एम की एम टर्म्स में से मैंने एन पकड़ लिया तो अगर एम की एम में से मैंने एन पकड़ लिया होगा तो मैं क्या बोलूंगा एमसी एम और एन हर जगह से था तो एन इन टू एन इन टू एन एम टाइम था इसलिए एन पावर एम हो गया और साथ में के मैंने एक भी जगह नहीं पकड़ा तो के पावर जीरो हो गया तो एम सी एम वही बात है वन हो गया तो सबसे बड़ी टर्म क्या होगी एन पावर एम ऐसी फिर एन पावर एम माइनस वन होगी एन पावर एम माइनस टू होगी एन सो तो इन सब की कोई औकात नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा एन पावर एम डोमिनेटिंग टर्म हम लेते थे तो उसके हिसाब से यहाँ से एन पार एमारा यहाँ से भी एन पार एमारा खत्म कहानी टोटली बराबर बस अगर टोटली बराबर है तो अभी मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ टाइम बचाता हूँ ये सब कुछ हो जाएगा ठीक है जी मोर कॉपी थोड़ा कर देता हूं ताकि सब कुछ एक स्क्रीन पे हो और आप आराम से नोट डाउन कर सको कर लो भाई बढ़ जाओ आगे आई होप क्लैरिटी आ गई क्योंकि नाना करते करते मैंने फिर भी काफी बार एक्सप्लेन किए और आपको समझ में आ चुका होगा हम क्या कर रहे हैं चलो भाई आ जाओ ये बहुत बेस बना रहा हूँ ठीक है ये मत बोलना कि सर बहुत स्लो चल रहे हो ऐसे तो टाइम लग जाएगा बाद में फ्लाइट भी पकड़ूंगा अभी पैदल पैदल चल रहा हूँ ना फिर फिर धीरे धीरे मैं गाड़ी में बैठूंगा गाड़ी में बैठने के बाद फिर फ्लाइट भी पकड़ूंगा तो टेंशन मतलब वो मेरा काम है कैसे कंप्लीट कराना है बट बेसिक फैक्ट इज ये बहुत बेसिक चीज है एबीसीडी नहीं आएगी सेंटेंसेस नहीं बनेंगे सेंटेंसेस नहीं बनेंगे तो फिर वर्ड्स कैसे बनाओ सॉरी एबीसीडी नहीं आएगी तो वर्ड्स नहीं बनेंगे वर्ड्स नहीं बनेंगे तो सेंटेंसेस कैसे बनाओगे है ना तो ये ए बी सी डी है फिर वर्ड्स बनेंगे और फिर सेंटेंसेस बनेंगे तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप ठीक है तो अभी पहले ये सब चीजें बहुत बेसिक है अगर ये भी नहीं आता तो फिर एल्गोरिथम पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ठीक है बस इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता तो आई होप क्लैरिटी आ रही होगी आप फटाफट ये बताओ टू पर एन स्क्र और एन फैक्टोरियल कौन बड़ा कौन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो वो बात दिक्कत लग रही है तो हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा तो लॉग लो तो ये क्या क्या बन जाएगा स्क्वायर लॉग लॉग बेस बेस टू ले लिया हमने और ये क्या बनेगा जी लॉग बेस टू एन फैक्टोरियल

तो एफ एन विल बी स्मोलगा जी एन क्योंकि काफी बड़ा है एफ एन ठीक है एंड प्लीज मेरे को ज्यादा नहीं करना चाहिए सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता रखी है नोट डाउन करो एल शर्ट पे जम करूंगा तो so, बहुत जल्दी जल जल जल्दी भी हम कर सकते हैं लॉग लेते ही फटाफट से क्लियर किया जाएगी काम में कौन, कौन है कौन बड़ा कौन छोटा है तो ये लॉग एंड लॉग टू स्टलिन से बेस्टोर लॉग एसप्रोक्सीमेशन आया करता था याद करो पिछले लेक्चर में सर समझा रखा है पिछले लेक्चर में सब देखा था चलो नोट डाउन करो पे करूंगा हो गया जी चलो हाँ जी एन स्क्वायर और

और यहाँ पे टू पड़े रहने दो ठीक है ऐसे कर लो जल्दी हो जाएगा काम तो लॉग बेस टू टू कैंसिल तो एंसकर ये भी आंसकर ये भी एंसकर तो इसमें बराबर है सो सिंपल एम बराबर है तो ठीठा वाली रिलेशन आएगी ठीठा आएगी तो बिगो स्मॉल वो सब आपको पता ही है स्मॉ तो आने वाला बिगो आएगा और बिगो मेगा भी आएगा कैसे आएगा क्या होगा वो आपको सब पता ही है मैं पीछे से कॉपी करके ले आता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम ठीक है जी तो बार बार लिखने का कोई भी फायदा नहीं है और ये मेरी सजेशन है आपके लिए होमवर्क है आप ये लिखोगे बार बार जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीज़ें आपके दिमाग में फिट रहेंगी ठीक है लिखते रहे लिखते रहना जितना लिखोगे उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी आपको ठीक है जी चलो कर देते हैं छोटा इसको ऐसे करके दिखा देता देना एफ एजा जी दोनों बराबर आ चुके हैं तो ना FN theta, FN, FN हो गया तो जीएनए गोल एफ एन होगा तो जीएन भी होगा एफ एन एस गोल्ड बिगो में सॉरी एफ एस गोल्ड बिगो जीएनएसोड बिगो एफ एज गोल्ड बिगो तो ये सब पता है आपको चलो करो नोट डाउन एक्स पे जब करूंगा एफ एन 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 लॉग एन और जी एन ए जी पॉइंट जीरो 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 जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टेन पावर एक्स वैल्यू ऑफ एक्स थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है कुछ नहीं ठीक है तो कैसे सॉल्व करना है देखो, ये क्या? FNG, और जीएन कह रहे जी पॉइंट जीरो जीरो अब आपको पहले से ही पता है, ना, बड़ी है ना तो ये तो बड़ा निकलना जीएन बड़ा निकलेगा निकलेगा एफ एन से लेकिन कब बड़ा निकलेगा कैसे करेंगे बड़ा साक्स कुछ कह रहे हैं ना एन तो एन के वैल्यू टेन पावर एक्स भर के काम करने की कोशिश करो ठीक है जी है, Fn Gn, x, तो एफ एन के लिए आप क्या कर सकते हो टेन एन की वैल्यू क्या होगी जी टेन पावर एक्स और लॉग टेन पावर एक्स तो आप अपनी मर्जी से लॉग की आप कोई भी बेस ले सकते हो तो मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं ताकि ये कैंसल होकर हमारा काम आज थोड़ा आसान हो जाए और ये ये छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आने चाहिए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको आने चाहिए अच्छा जी यहाँ पे क्या बैठे जी पॉइंट ट्रिपल जीरो वन इन टू टेन पावर एक्स का स्क्र था ना तो एन को मैंने क्या ले लिया लेट एन इज इक्वल टू टेन पावर एक्स क्यों लिया मैंने टेन पावर एक्स क्योंकि ये ये एक्स की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गई थी तो इसलिए मैंने टेन पावर एक्स ले लिया और यही से एक्स की वैल्यू फटाफट से निकाल करके आ जाऊंगा कोई टेंशन ही नहीं है बड़ा आसान क्वेश्चन है बस वही बात है हल्के से ट्विस्ट होते हैं तो ट्विस्ट अगर आप पकड़ पा रहे हो तो क्वेश्चन को बड़ी जल्दी आप कर जाओगे ठीक है जी चलो हो जाओ शुरू अच्छा जी टेन इंट प्लीज ये मेरी सजेशन है यहाँ पे वन से देना क्योंकि इसने प्रॉपरली पूछा भाई एफ एन इज्डी लेस देन जी एन फॉर एन गेटर टू टेन पावर एस फाइन स्मॉल तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कब ये बड़ा निकलेगा जीएन तो इसने एजिम टॉपिक वाली बातें करी ही नहीं है प्लीज अपने हिसाब से नोटेशन लगा करके टेन वन उड़ा मत के उड़ा के मत देना यहाँ से टन उड़ा देना यहाँ पे कॉन्टें उड़ा देना कहना क्या की क्या है एंड सोन टू के काम कर तो नो बिग नो क्यों? क्यों क्योंकि इसने बिग थीटा स्मॉल ओमेगा बिग ओमेगा कहीं कोई बात बोली नहीं है तो तुम अपने आप से उड़ा के आ जाओगे भाई सब कुछ लेकर के चलना ये ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में आई होप समझ में आ रहा होगा सबको बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई फंस जाओगे पेपर में ठीक है जी हाँ जी तो बस ये हमने लिखा हुआ था अब बस अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं टेन आया बैठा है यहाँ पे क्या बैठा है भाई टेन पा एक्स लॉस्टर ये एक्स आगे आ जाएगा लॉगवे स्टेन टन टेन टेन उठ जाएगा तो इसको सीधे लिख दू एक्स इंटू टेन पावर ये समझ पा रहे भाई एक्स आगे आ जाएगा लॉगविस्टन कैंसिल ये तो आता ही है लॉग की प्रॉपर्टी बहुत बड़ा अच्छा ये क्या 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 है भाई 10 पावर अब देखो भाई पॉइंट वन होता है तो उसको आप क्या बोलते थे टेन पावर माइनस वन पॉइंट जीरो वन होगा तो उसको क्या बोलते टेन पावर माइनस टू तो एक जीरो तो माइनस टू आया तो यहाँ पे एक दो तीन तीन जीरो तो टेन पावर माइनस फोर आएगा ऐसे चेक करने फटाफट ताकि ना तो कन्फ्यूज होता है टेन पार माइनस फोर है माइनस थ्री टेन पर माइनस टू टेन पर माइनस फाइव का ये नहीं पता लग रहा नहीं पता लग रहा क्या टेंशन है पॉइंट वन होता टेन पर माइनस तो पॉइंट जीरो वन होता टेन पर माइनस टू टू एक जीरो आने पर माइनस टू आता है तो ये तीन जीरो आई है तो प्लस वन का रहना माइनस फोर आएगा बस काम खत्म टेन पॉल माइनस फोर पावर इसको सीधा बोल दू टू आई होप सम में आ रहा होगा चलो अब आ जाओ तो एक्स इंटू टेन पावर एक्स दैट विल बी इक्वल टू तो ये टेन नीचे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जी? टेन पावर माइनस फाइव इंटू टेन पावर टू एक्स बोलो भाई इस टेन को मैं इधर ले आया तो ये बटा हो जाएगा ना तो ऑलरेडी टेन पावर माइनस होता है तो टेन पार माइनस फाइव हो जाएगा और क्या है अगर फिर भी डाउट आता है या चलो मुझे पता है यार कुछ कुछ स्टूडेंट्स के बड़ी दिमाग में टेंशन घूमती रहती है तो लो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करता हूँ एक्स इंटू टेन पावर रिकॉर्डेड सेशन है ना किसी को कोई टेंशन ही आने कि दिमाग टेन पावर एक्स वैसे तो आप एलिजिबल ही नहीं हो अगर ये सब चीजें भी आपको नहीं आती तो एलगोर्ट में पढ़ने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो बट फिर भी वही बात है किसी किसी को थोड़ा सा रहता है भाई सर हमारे को पढ़ना ही है आंसर तो चलो मैं बता देता हूँ टेन पार टू डिवाइड बाई टेन फोर हो गया इतना तो समझ आता है टेन पार माइनस फोर डिवाइड में हो जाएगा अगर ये भी नहीं पता तो भाई रियली आई एम सॉरी आई एम सॉरी मैं नहीं हेल्प और कर सकता चलो इधर आ जाओ भाई x into 10 power x, that will be equal to 10 एक्स इन टू टावर 10 दैट 5. इतना क्लियर हो गया अच्छा जी आप देखो भाई अब आप, आप क्या करो x दैट पावर टू एक्स 10 बाई 5 और यहां से टेन पावर चला जाएगा तो इन टू टेन पावर एक्स हो जाएगा चलो जी x टेन पावर टू एक्स और टेन पावर फाइव प्लस एक्स हो जाएगा बहुत बेबी स्टेप से साथ कर रहा हूं मैं बिलीव मी बहुत पेशेंस रख रहा हूँ 2, 2 uh, फिर माइनस में चला जाएगा माइनस फाइव माइनस एक्स अच्छा जी तो x टेन पावर x माइनस फाइव टू एक्स माइनस एक्स विल बी x x माइनस फाइव ठीक है जी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्या बन जाएगा टेन पावर x डिवाइडेड बाय टेन पावर फाइव अच्छा और इसने कहा क्या था भाई कौन बड़ा होना चाहिए ना बड़ा बॉड बेस बोलते हैं ना जी एन बड़ा होना चाहिए एफ एन से अब तो बड़ा है तो फिर इसको बड़ा ही करो ना ऐसे करो इक्वल मैंने ऐसे डाल दिया सॉरी फॉर दैट बराबर था तो इसका मतलब बड़ा करो स्ट्रिक्टली बड़ा ठीक है जी ऐसे बोलो इक्वल नहीं है भाई इक्वल नहीं है ठीक है इट इज नो इक्वल पड़ा ही है ऐसे है। हुआ पढ़ा बस अब क्वेश्चन हुआ पढ़ा है कुछ भी नहीं है हाँ जी बस अब बोलो X है तो हिट एक्सेंट से बोलो ना एक्स की वैल्यू पांच भरोगे तो पांच लेस देन इक्वल टू पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव तो फाइव लेस देन इक्वल टू क्यों लेस देन है लेस देन टेन पावर फाइव बाई टेन पावर फाइव एक्स की वैल्यू आपने पांच भरी तो दस बार दस बार पांच ये तो वन हो जाएगा तो क्या वन बढ़ा है? पांच से है नहीं तो एक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी भाई छह लेनी पड़ेगी और क्या करोगे तो सिक्स अच्छा, तो बोलो सिक्स एक्स की वैल्यू सिक्स भरी तो सिक्स बाई टेन पावर फाइव बिल्कुल कौन मना कर रहा है आंसर ठीक है इसने क्या बोला था भाई तो स्ट वैल्यूफे अच्छा अब यहाँ पे आप याप याप ये बोल सकते थे कि सर इसने, पूरा कुछ बताया नहीं एंड तो इंटीजर ही लेकर के चलना पड़ेगा भाई ऑफ कोर्स नहीं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तो इंटीजर ही लेकर के चलना नहीं तो बोल देता हूँ स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स या इंटीजर बस ठीक है इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स अब ठीक हो गया इसके लिए सिक्स आ जाएगी बोलो भाई फटाफट नोट डाउन करो बहुत ब्यूटीफुल सवाल था भाई बहुत ब्यूटीफुल इससे काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुएंगे और बाबर समझा रहा हूँ टूल्स से आपका बैग भर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा यहां तक नोट डाउन नीचे बचा हुआ पार्ट ये भी नोट डाउन ठीक है है जी चलो काम लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड अब देखो भाई बचाओ है और लॉग एन पावर लॉग एन है। कौन बड़ा कौन छोटा मेरे को ट्रेन लेने के जुड़ती रहें ये नहीं आ रहा समझ में कौन बड़ा कौन छोटा लॉग लो और काम खत्म करो तो लॉग लो गए तो क्या ये क्या बन के आएगा जी लॉग एन और ये क्या बन के आएगा जी लॉग एन इन टू लॉग ऑफ लॉग एन नहीं आ रहा समझ में तो मुझे कोई टेंशन नहीं है आप ये ले लो भी लॉग ऑफ लॉग एन पावर लॉग एन तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है तो ये क्या बनेगा जी लॉग एन और ये क्या बनेगा जी लॉग एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन अच्छा लॉग लॉग एन आगे आ गया तो लॉग एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ लॉग ऑफ एन ठीक है जी हाँ जी अब बताओ भाई ये क्या है सीधी सी बात है तो ये बड़ा निकला कि नहीं ये तो बहुत बड़ा हो तो जाएगी लॉग एन पावर much, much, much N. So, आ रहा होगा वैसे ना यहाँ पे आप एक ये ट्रिक भी लगा सकते थे मैंने आपको शायद बताया था लॉग एन पावर एक करोड़ भी कर लोगे ना वो काफी छोटा है से क्योंकि जब आप ये एक करोड़ जो भी आगे लेकर के आओगे तो ये लॉग लॉग एन बनेगा और यहाँ पे लॉग इन बनेगा तो लॉग इन काफी बड़ा होता था लॉग लॉग इन से लेकिन जब यहाँ पे आपने ये इसकी बजाय कॉन्स्टेंट की बजाय लॉग इन पावर चढ़ा दी तो फिर वो बड़ा नहीं आने प्रूफ मैंने आपको अभी दिखा दिया क्योंकि यहाँ से लॉग इन आगे आएगा और ये लॉग इन बनेगा तो लॉग इन इन टू समिंग आएगा और यहाँ पे खाली लॉग इन बचेगा तो अभी बात है लॉग लॉगन लॉग इन उठ जाएगा और ये बच जाएगा जो कि दिक्कत करेगा आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ करके देख लो अगर डाउट आता है तो लॉग इन पावर जितना भी है ये और ये बहुत बड़ा होगा एन से क्यों क्योंकि आप लॉग ले लो दोनों तरफ दोनों तरफ लॉग ले लो तो ये क्या बन के आएगा जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो कांस्टेंट है इसकी कोई औकात नहीं होती तीन तीन छः हाँ जी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ लॉग ऑफ एन और यहाँ से क्या आएगा लॉग इन तो लॉग इन काफी बड़ा है लॉग लॉग एन से आपको पता है कॉन्सटेंट कॉन्सटेंट को, को, कोई औकात नहीं लॉग एन बहुत बड़ा है लॉग लॉग इन से सब बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ तो आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको ठीक है जी तो चलो अब फाइनली हमारे पास ये काफी बड़ा निकला इससे तो वही बात है भाई आप कंक्लूजन तो ड्रॉ कर ही सकते हो क्या ड्रा करोगे ये काफी छोटा है ना इससे एफ एन विल बी स्मॉल ओ जी एन वो सब कुछ कॉपी पेस्ट करके ले आओ ना टाइम बचाओ हाँ जी तो एफ एन विल भी इक्वल टू ये छोटा है ना छोटे के लिए नहीं लिखा है चलो यार जितनी देर में करूंगा उतनी करके भागी जाऊंगा है ना हाँ तो यहाँ से क्या बोल क्या होगा ये ये छोटा है ना तो एफ एन विल बीवल टू स्मॉल तो एफ एन विल equal टू बिग ओ जी एन और जी एन विल बीवल टू बिग ओ मेगा एफ एन और जी एन विल बीवल टू पहले लिखो स्मॉल ओमेगा है ना स्मॉल ओमेगा नजर आई रहा है आपको देखते ही क्योंकि स्ट्रिक्टली है ना तो फिर वहीं से निकाल देंगे बिग ओमेगा मेगा एफ आ गया होगा मेरे ख्याल पकड़ में शाबाश करो नोट डाउन अगले साइड पे जंप करूंगा ओके ठीक है जी तो अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस बच रहे हैं हाँ तो ये दो चार क्वेश्चंस हैं इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कवरअप करा ठीक है चलो ओके ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय